मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, दूसरा दिन है इस सुनवाई का। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से दलील पेश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं, ये राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है। बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल में आए, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि हिजाब मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से दलील पेश की गई है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा कि हिजाब जो है वो धर्म का हिस्सा नहीं है। इससे पहले हाईकोर्ट ये कह चुका है कि इस पूरे मामले को लेकर कानून के हिसाब से ही सुनवाई होगी, किसी की भावनाओं, किसी के धर्म के आधार पर सुनवाई नहीं होगी। बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल में आए, ये राज्य सरकार की तरफ से दलील पेश की गई है सुनवाई के दौरान। कल सुनवाई हुई थी जिसे आज के लिए टाल दिया गया था, और आज जब सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार की तरफ से दलील पेश की गई, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं है, सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ आए। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, क्या कुछ अपडेट इस सुनवाई को लेकर, राज्य सरकार की तरफ से दलीलें पेश की गई? देखिए, इस मामले में कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को लार्जर बेंच के पास भेज देते हैं और तब तक बच्चों को ये अनुमति देते हैं कि वो जैसे आ रहे वैसे आने दिया जाए। इसका राज्य सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर इस समय पे कोई अंतरिम राहत दी गई तो इससे ये संदेश जाएगा कि याचिका स्वीकार कर ली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। स्कूल प्रशासन ने जो कमेटी बनाई हुई है वो कमेटी यूनिफॉर्म को लेकर के फैसला लेती है और उस फैसले को सभी को मानना ही चाहिए। और इस समय अगर कोई इंटरिम राहत दी गई तो उससे एक गलत संदेश जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो याचिका स्वीकार कर ली गई है। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उनका ये कहना है कि अगर इस मामले को लार्जर बेंच के पास भेजा जाता है तो कम से कम बच्चों को सफर नहीं होना चाहिए, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और तब तक के लिए जैसे वो जा रहे हैं वैसे उन्हें जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अभी सुनवाई चल रही है, हालांकि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोर्ट 3-4 बार ये कह चुका है कि हम इस मामले को लार्जर बेंच के पास भेजेंगे। बिल्कुल, लार्जर बेंच में भेजने की तैयारी हाईकोर्ट की तरफ।